हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत ही खूबसूरत आवाज कुरान शरीफ की तिलावत से हमारी समातों को जन को साफ कर रही थी। दुआ करें अल्लाह हम सबको कुरान शरीफ की तिलावत का फैज अता फरमाए, तिलावत का फैज अता फरमाए, जिक्र का फैज अता फरमाए। बात वहाँ शुरू की थी कि सरकार गौसे आजम ने बगदाद शरीफ में आए, मदाए शरीफ बगदाद शरीफ में गौसे आजम सरकार ने तशरीफ लाए। सुने सुने बगदाद शरीफ में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए। आपके पीर हैं शेख अबू सईद मखदूमी, आपके उस्ताद हैं शेख हम्माद तब्बास, आपके खादिम हैं अली अली, आपके खातिम हैं अल्लामा इब्ने जौज़ी जो शेख सादी शिराज़ी के पीर हैं। ये पाकीज़ा बयान सरकार गौसे आजम का। आपने मेरे आका सरकार गौसे आजम पर पीर बगदाद शरीफ में जब अल्लाह अपने जद्द करीम के मिशन को आम करना चाहा तो आपका दिल न लगा। बगदाद शरीफ आपका दिल न लगा, आपने बगदाद शरीफ से अपने आप को अलग करना चाहा, बगदाद शरीफ से अपने आप को लेके जाना चाहा। कौन सरकार गौसे आजम पर पीर शहनशाह बगदाद बिलाए। अचानक रब की बारगाह से आवाज आई, अब्दुल कादिर कहाँ जा रहा है, अब्दुल कादिर कहाँ जा रहा है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते मेरे मौला मैं इस शहर में नहीं रहूंगा, मैं इस शहर में नहीं रहूंगा, इस शहर के लोग अच्छे हैं, इस शहर के लोगों की ज़हनियत अच्छी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रब ने इरशाद फरमाया मेरे अब्दुल कादिर तुझको इसी शहर में रहना है, सुभान अल्लाह, तुझको इसी शहर में रहना है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैजान सरकार गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। आवाज आई रब की बारगाह से, अब्दुल कादिर तुझको इसी शहर में रहना है, तुझको इसी शहर में रहना है, सुभान अल्लाह। बैठे रजा के सामने गौस पाक की बात इसी फरमाते हैं गौसे आज़म से, ए मेरे मौला मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। आवाज आई रब, क्यों क्यों? तो फरमाते हैं यहां के लोग अच्छे नहीं है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे मौला यहाँ के लोग अच्छे नहीं। रब ने इशारा फरमाया मेरे अब्दुल कादिर तुझको इसी शहर में रहना, इसी शहर की मोहब्बत की जमीन मरकज इश्क बनाना, रूहानियत की जमीन बनाना, और बनाया भी गौसे आज़म। मेरा इमाम कहता है कि जिसकी दुआ कहीं कबूल ना हो बगदाद की मिट्टी उठा के उठा के जहाँ की जमीन जमीन मुस्तजाब के जा रहा है। तो सरकार गौसे आज़म फरमाते मेरे मौला मैं ठहर तो जाऊंगा बगदाद शरीफ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं। आवाज रब की बारगाह से आई, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या है। तो सरकार गौसे आज़म फरमाते मैंने 70 शर्तें, कितनी जोर से बोले 70 शर्तें बताई, 70 शर्तें बताई। रब ने मेरी सारी शर्तें कबूल फरमाई। मोहब्बत से कहते मकबूलियत देखो गौसे आज़म सरकार, अल्लाह रसाई देखे आप कहते रब ने मेरी 70 शर्तें कबूल कर ली और मैं बगदाद शरीफ में ठहर गया। फिर गौसे आज़म से बुलाए, फरमाते हैं अगर कहो तो बता दो, उन 70 शर्तों में एक ही शर्त, अगर कहो तो एक ही शर्त बता दो। तो गुलाम मुस्कुराए, हुजूर करम फरमाए बता दें। तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं 70 शर्तों में एक शर्त ये भी थी, अरे मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। मुझसे मोहब्बत करने वालों के बगैर तौबा की बहुत ये पहुंच है। एक बार बता दो उसके बाद फिर इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ से जल्द लाने की कोशिश करें। मैं 50,000 के मजमे का कायल नहीं, मैं तो 5 ऐसे अहले दिल तलाशता हूं जो गौसे पाक का जिक्र सुनना चाहते हैं। और खुदा कसम जितने लोग आए लगता है कि गौसे आज़म ने इन्हें घर से चुन चुन करके निकाले। मेरा दिल कह रहा है और मेरा दिल झूठ नहीं बोलता, अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे। आपके चेहरे पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि आपको गौसे आज़म ने बुलाया, गौसे आज़म ने बुलाया, जैसे यहाँ बुलाया दुआ करे गौसे आज़म अपने शहर में बुला ले। यार नहीं देखा बगदाद शरीफ तो परेशान हो जाओ, नहीं देखा बगदाद शरीफ तो परेशान हो जाओ, बगदाद वाले तो आपको देख रहे हैं। ये क्या कम इनाम है, हम जा कर के देखे तब भी हमारी आंखों पर हमें यकीन नहीं आता, लेकिन गौसे आज़म की बात पर तो इतका
अब गौसे आजम की पहुंच देखिए, बात इंजामत की इन दिनों में टकरा गौस पाक सरकार की बारगाह के साहिब सज्जादा शेख हाशिम गिलानी, शेख हाशिम गिलानी इस वाकये को बयान कर रहे हैं। कुछ बातें किताबों में नहीं होती, समझ रहे हैं आप, कुछ बातें किताबों में नहीं होती है, वो सूफिया इकराम के सीने से दूसरे के सीने में ट्रांसफर होती है, जिसे इल्मे सीना कहते हैं। किसी ने पूछा आला हजरत से, या आला हजरत, ये गौस पाक के बारे में रवायत है कि 12 साल डूबी हुई कश्ती को आपने 12 साल पहले जो कश्ती डूब गई थी दूल्हा दुल्हन समेत बारातियों समेत उसे आपने जिंदा निकाला है 12 साल के बाद, इसके बारे में क्या कहते हैं? तो फरमाते हैं आला हजरत, मैंने किसी मोतबर किताब में इसे नहीं पढ़ा है। जुमला सुनिएगा और कोई राय ना कायम कीजिएगा, ठीक, जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए आप कोई राय ना कायम कीजिएगा, कोई हतमी फैसला आप ना कीजिएगा। फरमाते आला हजरत, मैंने किसी मोतबर किताब में इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें शराब कोई खराबी नहीं। सुने आप, मैंने किसी मोतबर किताब में इसे नहीं पढ़ा है और शराब कोई कबाहत भी नहीं है और गौस पाक के लिए मुश्किल भी नहीं। वापस से कहने आ गौस पाक, गौस पाक के लिए मुश्किल भी नहीं, जिसकी भी ये सोच हो अपना हाथों बढ़ा के बोले सुभान अल्लाह, गौस पाक के लिए मुश्किल भी नहीं, मक्के शरीफ गया, जिसको जाना उधर से बोले मक्के शरीफ गया, मेरे साथ 30,000 लोग थे, सब लोग बोले 30,000 लोग थे, गौस पाक फरमाते हैं 30,000 लोग मक्के शरीफ के तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशायख, बड़े बड़े उमरा, रौसा मुझसे मिलने के लिए, सरकारे गौस आजम फरमाते हैं मुझसे मिलने के लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे मशायख अहले सुन्नत, आप देखिए आप देखिए माशाल्लाह, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत का भी इस्तकबाल कर लें, भाई साहब अब्दुल्ला का भी इस्तकबाल कर लें, और बहुत देर से आपको देखना चाहते हैं अलहाज मकबूल आशिक रसूल हबीबुल्ला फैज साहब अब्दुल्ला का, हम और ये दोनों साथ में सदा शरीफ हैं, दोनों एक दूसरे से गले मिल के रो रहे हैं, आज उस साहब की तादी नजर आ रही है, उस बाप की मजलिस में है और दोनों एक दूसरे से गले मिल, दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस साहब की तादी हमको वैसे ही अता फरमाए जैसे देखी गई थी। इत्तेफाक से मक्के शरीफ का सबसे बड़ा मुफ्ती, मुफ्ती मक्का भी मुझसे मिलने के लिए आए, बातें समझ में आ रही है, हाथों बढ़ा के बताइए, कोई भी तकलीफ आवाज के वाले से मुझे बता दीजिए, बहुत अच्छा माइक चले भी जाए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है, खुशी है, देख लें ऐसे माइक को आगे होते हैं, क्या करें अपने हबीब का की उम्मत को फॉलोअर में शामिल करें, इन सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। तो फरमाते हैं सरकार गौस आजम बड़े पीर कि मक्के शरीफ का सबसे बड़ा मुफ्ती मुझसे मिलने के लिए आया, मुझसे कुछ सवाल किए उसने, मैंने उनके सवालों का जवाब दिया, फिर मक्के शरीफ के सबसे बड़े मुफ्ती से मैंने भी एक सवाल, वो जवाब न दे पाए, तो गौस पाक फरमाते अगर कहो तो बता दूं वो सवाल क्या, गौस पाक फरमाते अगर कहो तो बता दूं वो सवाल क्या था, तो गुलामों ने कहा कि हुजूर करम फरमाए, गौस पाक फरमाते मैंने मक्के शरीफ के मुफ्ती से पूछा, ओ मुफ्ती मक्का जरा ये बता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिसार ज़ाहिरी इंतकाल के बाद मदीने शरीफ में जिस कुएं के पानी से सरकार को नहलाया गया उस कुएं का नाम है हर्स, जिसको अरबी बोलते हैं पीर हर्स, ये कुआं मदीने शरीफ में अभी भी मौजूद है, आप जाएंगे तो ज़ियारत करेंगे, इसलिए मैंने उसका पानी पिया, तो पीरे गर्स फरमाते हैं गौस पाक सरकार पीरे गर्स गर्स कुएं के पानी से सरकार को ज़ाहिरी इंतकाल के बाद गुस्ल मुबारक दिया गया, मुफ्ती मक्का ये बताओ कि वो पानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से मस हुआ उसके बाद वो पानी कहाँ गया, वो पानी कहाँ गया, मुझे हुजूर नहीं मालूम, तो सरकार गौस पाक फरमाते जाओ रात भर मौका है किताबें पढ़ के कल जवाब लेके आने का, मुफ्ती मक्का गए लाइब्रेरी चलान रहे बहुत ढूंढते रहे जवाब न मिला, थक हार के मुसल्ला बिछाया तस्बीली दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सोते ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए,
मोहब्बत से बोल दे, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, मेरे आका जब तशरीफ लाए तो मुफ्ती मक्का कहते हैं कि सरकार के बगल में एक बुजुर्ग और थे जिनके चेहरे की चमक से मैं उनको पहचान नहीं पा रहा। वो कहते हैं सरकार फरमाते हो मुफ्ती मक्का तूने मुझे क्यों याद किया, तूने मुझे क्यों याद किया? तो मुफ्ती मक्का कहते हैं हुजूर आपके बेटे अब्दुल कादिर ने सवाल किया। मेरे आका फरमाते हैं सवाल क्या? तो मुफ्ती मक्का कहते हैं हुजूर आपके बेटे ने सवाल किया कि आपके विसाल के बाद जो पानी आपके गुस्ल मुबारक में इस्तेमाल हुआ उसके बाद वो पानी कहाँ गया? तो मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। देखिए तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। इशारा उनकी तरफ किया जो अल्लाह के नबी के बगल में बुजुर्ग खड़े थे जिनका चेहरा चमक रहा था, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। मैंने कहा हुजूर आप ही बता दें, उनसे मुखातिब हुआ जो बगल में थे, हुजूर आप ही बता दें। अब जवाब सुनिएगा, अब जवाब सुनिएगा, वो फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर आप ही बता दें। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया जो पानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिस्मे पाक से मस हुआ अल्लाह के हुक्म से उसे फरिश्ते आसमान पर उठा ले, उसे रब ने बादल बना दिया, फिर उस पानी को बरसने का जहां जहां हुक्म दिया है उसके एक एक कतरे जहां जहां गिरे हैं रब ने वहां मस्जिद बनाई। हाथों को उठा के बोलते सुभान अल्लाह। मैदान महशर में मेरी मेरे हबीब की उम्मत के सदों की गवाही, मेरे महबूब के जिस्म के से मस होने वाले कतरे दिए। जवाब मिल गया, जोर से बोले, जवाब मिल गया। बहुत खुश हुए मुफ्ती मक्का, सुबह को गौसे आजम की बारगाह में और कहा अस्सलाम वालेकुम या शेख, सवाल करवाना फिर कीजिए जवाब लाया। तो सरकारे गौस पाक फरमाते पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। मुफ्ती मक्का बैठ गए, उसके बाद सरकारे गौस आजम फरमाते हैं बताओ जवाब क्या? तो मुफ्ती मक्का कहते हैं हुजूर वो जवाब ये कि उस पानी को फरिश्ते उठा ले गए, बादल बनाया रब ने और उसे जहां जहां बरसने का हुक्म दिया उसके कतरे जहां जहां गिरे रब ने वहां मस्जिद बना दिया। सरकार गौस आजम मुस्कुराए, फरमाते मुफ्ती मक्का जरा ये बताओ तुम्हें ये जवाब किसने बताया? इस वाक्य का टर्निंग पॉइंट देखिए और गौस आजम अपनी रौ में आ रहे हैं, फरमाते ये बताओ तुम्हें जवाब किसने बताया? वो कहते हैं हुजूर मदीने वाले आका ने बताया। गौस बात फरमाते हैं सही बताओ किसने बताया? वो कहते हैं मदीने वाले आका ने बताया। फरमाते हैं सही बताओ किसने बताया? वो कहते हैं मदीने वाले आका ने बताया। गौस आजम को जलाल आ गया, खड़े हो गए, कहते हैं मुफ्ती मक्का मदीने वाले आका ने बताया या उनके बगल में जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया? तो मुफ्ती मक्का कहते हैं हुजूर आपको कैसे मालूम? गौस पाक फरमाते वो वही था। जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या गौस पाक, और जरा ऊंची आवाज से बोल दो वो वही। मैंने सोचा कि तेरे दिल में मेरे आका की मोहब्बत बैठ जाए और मेरे आका ने कर्म किया कि पहले तेरे दिल में मेरे बेटे अब्दुल कादिर की मोहब्बत बैठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको गौस आजम का फैजान दे। आमीन कहते हैं मोहब्बत के साथ। ये बातें इसलिए बड़े अदब और एहतराम के साथ आपने सुनी और अल्लाह मुझे अदब के साथ गौस पाक का जिक्र करने का शरफ बख्शे ताकि बरकत वाली महफिल में और हमारे कराम की समातों पर गिराना गुजरे। मैं सिर्फ एक कलाम के लिए तहत में दो शेर आला सरकार के पढ़ेंगे और एक कलाम जिसके बोल है खुशबू आती है, जिस कलाम को आपने सुना भी होगा तब भी कुरान शरीफ की कुछ आयतों की बरकतें मौजूद हैं। मैं हाफिज सलमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और इस कलाम से इस पाकिस्तान पर नूर की परचम कुशाई फरमाएं। पहले तो तुम्हारी, पहले तो तुम्हारी चादर से, पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, पहले तो तुम्हारी चादर से के पहले तो तुम्हारी चादर से पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है।
गुजदार की खुशबू आती है। पर्दे को हटा दो चेहरे से, पर्दे को हटा दो चेहरे से, कुरान की खुशबू आती है। पर्दे को हटा दो चेहरे से, कुरान की खुशबू आती है। पर्दे को हटा दो चेहरे से, पर्दे को हटा दो चेहरे से, कुरान की खुशबू आती है। पर्दे को हटा दो चेहरे से, और ये शेर समाज समय वो दोनों जहां के मालिक है, और टूटी चटाई बिस्तर है। वो दोनों जहां के मालिक है, और टूटी चटाई बिस्तर है। वो दोनों जहां के मालिक है, वो दोनों जहां के मालिक है, और टूटी चटाई बिस्तर है, और टूटी चटाई बिस्तर है। उस टूटी चटाई बिस्तर से, उस टूटी चटाई बिस्तर से, सुल्तान की खुशबू आती है। उस टूटी चटाई बिस्तर से, सुल्तान की खुशबू आती है। उस टूटी चटाई बिस्तर से, 1400 वर्ष का अरसा हुआ, मेराज की शब को गुजरे हुए। पूरा मजमा लहकर बोल दे सुभान अल्लाह। 1400 वर्ष का अरसा हुआ, मेराज की शब को गुजरे हुए। 1400 वर्ष का अरसा हुआ, गुजरे हुए मेरा की शब को गुजरे हुए। वल्लाह अभी तक उस घर से, वल्लाह अभी तक उस घर से, मेहमान की खुशबू आती है। वल्लाह अभी तक उस घर से, वल्लाह अभी तक उस घर से, मेहमान की खुशबू आती है। पर्दे को हटा दो चेहरे से, 1400 वर्ष का अरसा हुआ, शब को गुजरे हुए। 1400 वर्ष का अरसा हुआ, मेरा की शब को गुजरे हुए, मेरा की शब को गुजरे हुए।
अल्लाह अभी तक उस घर से अल्लाह अभी तक उस घर से मेहमान की खुशबू आती है अल्लाह अभी तक उस घर से। के साथ आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, पूरा मजमा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। पर्दे को हटा दो चेहरे से जो इश्क़े नबी में रोता है और याद में उनकी नबी में रोता है और याद में उनकी खोता है जो इश्क नबी में रोता है। जो इश्क नबी में दीवानों के फाते तैबा से फैजान की खुशबू आती है दीवानों के फाते तैबा से फैजान की खुशबू आती है। पर्दे को हटा दो चेहरे से कुरान की खुशबू आती है वो दोनों जहाँ के मालिक हैं और टूटी चटाई बिस्तर है वो दोनों उस टूटी चटाई इस तरह से सुल्तान की खुशबू आती है उस टूटी चटाई बिस्तर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।